हिमाचल के जिला कांगड़ा के रानीताल के पास एक टैक्सी ड्राइवर मृत मिला है। परिजनों का कहना है कि वह टैक्सी लेकर पालमपुर गया था और बताया था कि वह सवारी छोड़ने जा रहा है, लेकिन वह घर नहीं लौटा और सोमवार को उसका शव रानीताल के पास पाया गया। इस दौरान मौके से टैक्सी भी गायब पाई गई है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। प्रारंभिक जांच में यह हत्या का ही मामला लग रहा है। पेशे से टैक्सी ड्राइवर अश्विनी निवासी बड़ेखर बैजनाथ का रहने वाला था। एएसआई किशोर ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंच गई है व टांडा से फोरेंसिक टीम के लिए आने के बाद ही सही स्थिति का पता लग पाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डीएसपी रणधीर ने बताया कि छानबीन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। विजय कुमार नौरी पंचायत प्रधान स्टार्ट। मैं विजय कुमार प्रधान नौरी पंचायत। मेरी पंचायत से पिछले कल जो कि अश्विनी कुमार पुत्र मोहन सिंह टैक्सी चालक वो बैजनाथ से पैसेंजर लेके धर्मशाला के लिए गया था, लेकिन कल से वो लापता है। और जब आज उसके परिवार वाले सुबह मेरे घर आए तो मेरे को लेकर पुलिस स्टेशन गए, तो वहाँ पर हमने उसके बारे में कहा तो वहाँ पर एप्लीकेशन दी, तो उसका मोबाइल नंबर जो वो ट्रेस हुआ रानीताल में। जब हम वहाँ ढूंढने गए उसको तो वहाँ पर उसकी हमें 12:30 बजे के करीब उसकी बॉडी मिली, लेकिन उसकी गाड़ी नहीं थी। तो उसके बाद जो है हमने पुलिस अपना रानीताल को कॉल की, उनको बुला के फिर जो वो सारी कार्रवाई हुई। ये जो टास्क मिली ना, आज क्या हुआ था यहाँ पे रानीताल में डेड बॉडी मिली हुई है? हाँ, आज रानीताल चौकी में करीब 1 बजे के करीब दिन में इंफॉर्मेशन आई थी कि किसी व्यक्ति की बॉडी जो है वो रेलवे ट्रैक के पास पेट्रोल पंप के पास जो है वो पड़ी है, जिस पर यहाँ से चौकी इंचार्ज और हमारे डीएसपी साहब जो है वो मौका पर पहुँचे थे। और मौका पर पहुँचकर जो है वो जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे बॉडी को पाया गया, और वहीं बॉडी जो जिन्होंने आइडेंटिफाई करी थी वो भी लोग वहीं पे मौजूद थे, और जब उनसे पूछताछ करी गई तो वो जो डिसीज्ड है उसके रिलेटिव थे। पूछताछ के दौरान ये पाया गया कि जो डिसीज्ड है उसका नाम अश्विनी कुमार है और वो बैजनाथ का रहने वाला है, और पिछले कल जो है वो बैजनाथ से सवारी लेके ही इज अ टैक्सी ड्राइवर, और पिछले कल वो बैजनाथ से सवारी लेके आ रहा था, और उसने करीब 11:30 बजे के करीब दिन के समय अपने पिताजी को फ़ोन करके बताया कि मैं ऐसे सवारी लेके जा रहा हूँ। लेकिन रात को जब वो वापस नहीं आया तो उसके पिताजी ने उसको 8:30 बजे के करीब फ़ोन करने स्टार्ट किए। उसका फ़ोन पर बैल जा रही थी लेकिन किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और मॉर्निंग में वो लोग अपने प्रधान जी के पास गए और प्रधान और उसके घर वाले डिसीज के घर वाले उसके बाद वो थाना बैजनाथ में गए थे, और थाना बैजनाथ में उस व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट लॉन्च करवाई थी। उसके बाद जब उसके फ़ोन को हमने ट्रैक किया तो पाया गया कि उसकी जो लोकेशन है वो रानीताल के आसपास पाई जा रही है अश्विनी कुमार की। जब ये सभी लोगों को बताया तो वो लोग उसको ढूंढने के लिए यहाँ रानीताल आए थे और उसको ढूंढ रहे थे, तो तब करीब 1 बजे के करीब जब उन्होंने बॉडी को आइडेंटिफाई किया उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन बैजनाथ और पुलिस चौकी रानीताल में इन्फॉर्म किया, जिसको पुलिस पार्टी वहाँ पे गई। स्पॉट को देखा गया और स्पॉट पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया और स्पॉट पे डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, और स्पॉट पे यही पाया जा रहा है कि ये जो अश्विनी कुमार है इसकी किसी ने हत्या कर दी है, और बॉडी वहाँ पर इसकी पाई गई उस स्पॉट पे, और गाड़ी जो है वो इसकी डिसअपियर है। हमने 302 में केस रजिस्टर कर दिया है अश्विनी कुमार के फादर की स्टेटमेंट के ऊपर, और कल बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन इस केस में अब कंटिन्यू है। गाड़ी में ड्राइवर अकेला था या कोई और भी था साथ में? ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता चलेगा कि ड्राइवर के साथ और कौन कौन थे, क्योंकि अभी इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता है। सिर्फ हमें इतना मालूम है कि ये सवारी को लेके आया था। अब सवारी को लेके ये किधर आया था अभी ये चीज़ सारी अन्वेषण का विषय है, और अन्वेषण के दौरान ही पता चल पाएगा कि ये सवारी लेके कहाँ आया था। सर, गाड़ी का अभी तक कुछ? अभी हमने मैसेजेस वगैरह हर जगह कर दिए हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि गाड़ी अगर हमारे बॉर्डर एरिया पे अगर ट्रेस हो जाए तो हम उसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। सर, बताया जा रहा है कि गाड़ी अभी नहीं है, उसका कैसे
हाँ, इसके जो फादर के बयान में ये आया है कि इसने अभी 5-6 दिन पहले ही ये नई गाड़ी स्विफ्ट डिजायर व्हाइट कलर की, जिसका के नंबर HP68T 1544 है, ये इसको इसने कोई 5-6 दिन पहले ही खरीदा है और ये वाइट कलर की है। सर डॉग स्पोर्ट से कुछ मालूम पड़ा? हाँ, अभी डॉग आया है, अभी देखते हैं, अभी हम जो डॉग हैंडलर है उससे पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।